हांसी से आ रही है खबर। हरियाणा के पूर्व निकाय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष गोयल के पंप पर ठगी हुई है। आपको बता दें कि आज सुबह 2 बजे के करीब एक अल्टो कार आके रुकती है, उसके अंदर 2 व्यक्ति होते हैं, गाड़ी की टंकी फुल करवाते हैं और पीछे दिए बिना रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस को शिकायत दे दी गई है और पुलिस जांच में जुट चुकी है। देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हैं हरियाणा के पूर्व निकाय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष गोयल के पेट्रोल पंप पर। रात यानी कि सुबह 2 बजे के करीब एक गाड़ी आके रुकती है, अल्टो गाड़ी बताई जा रही है और नारनौल का नंबर था उस पर। और आपको ये बता दें 28 लीटर के करीब पेट्रोल डलवाया था और ठगी कर लिया, तेल डलवा कर वे रफू चक्कर हो गए हैं, लेकिन तीसरी आंख में वो कैद हो गए हैं। और आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची आज सुबह और छानबीन की गई है और शिकायत यानी कि पंप की ओर से दे दी गई है। इस समय की अपडेट है कि हरियाणा के पूर्व निकाय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष गोयल के पंप पर ठगी हुई है, तेल डलवा कर रफू चक्कर हो गए हैं। कट दी हो पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी तैनात हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर के क्या नंबर था गाड़ी का, कौन सी गाड़ी थी, कितना का पेट्रोल डलवाया और किस समय क्या वाक्य था। सर नमस्कार। नमस्कार सर, तो आप थे मुख्य? हाँ जी, हम दोनों। तो किस क्या वाक्य था ये घटना? गाड़ी आई थी रात को लगभग 1:45 का टाइम था। गाड़ी आई इधर, एक नंबर वाली मशीन पे लगाया, मैं अंदर था, ये लड़का आया तेल डालने के लिए, उन्होंने तेल डलवाया, बोले टंकी फुल कर दो, टंकी फुल कर दी, टंकी फुल करके उनका ढक्कन बंद किया टंकी का, उसी टाइम वो गाड़ी लेके फरार हो गए। कौन सी गाड़ी थी वहाँ? आल्टो थी। नंबर क्या था उसका? HR 35D 3925। तो ये चले गए, कितने लोग थे? दो लोग थे। दो लोग बताए जा रहे अल्टो गाड़ी थी और वे तेल डलवा कर रफू चक्कर हो गए हैं और पुलिस को शिकायत दे दी गई है। हरियाणा के पूर्व निकाय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पंप पर ये घटना हुई है और अब पुलिस जांच कर रही है मामले की। ये खबर थी जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं।